Good morning, students. I am Professor Aarti Prasad, Department of Electrical and Electronics Engineering, SIRT College. And today we discuss the topic is Programmable Logic Devices. That has come to the Unit 5. And the subject is the DLD, Digital Electronic Logic Design. So today we discuss programmable logic devices, introduction of programmable logic devices, and the types of this PLD. Okay, so now come to the second slides. What is PLD? What is power programmable logic design? So introduction, first I will give the introduction. That is different ICs like multiplexer, comparators, adders, etc. are called the fixed function ICs. कुछ different ICs होती है, जैसे multiplexer है, comparators है, adders है, ये सब क्या होती है, इसको हम fixed function IC बोलते हैं. Fixed function IC का मतलब होता है कि जिसका function fixed होता है, जिसमें हम कुछ added नहीं कर सकते हैं, उसे fixed already पहले से ही fixed किया गया है कि आपको इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं. So advantage of the designing logic circuit using the fixed function ICs are of low development cost and easy testing. अब logic design circuit fixed अगर IC function से हम use करते हैं तो इसका benefit जो होता है that is low development cost and easy testing. Cost भी कम हो जाती है और testing भी easy हो जाता है, right? So but अगर advantage है तो now it's come to the disadvantage. तो disadvantage is the लार्ज पावर रिक्वायरमेंट. पावर रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है, एडिशनल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, सो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू यूज द एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. तो अगर जहां हमारी सिक्योरिटी नहीं है, जहां हमारा पावर का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऐसी आईसी का यूज किया जिसका नाम है एसई, मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. इसका फायदा हमें ये मिला कि टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर और एप्लीकेशन. ये इसका यूज हम कब करते हैं, या इसको हमने डिजाइन इसलिए किया क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या यूजर को अगर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो हम उसके अकॉर्डिंग इस आईसी को डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, ओनली डिसएडवांटेज ऑफ एस्की इज टू कॉम्प्लेक्स. पर अब इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी इससे. पर इसका कुछ एडवांटेज हमें ये मिला कि पावर रिक्वायरमेंट जो कंजम्पशन जो ज्यादा होती थी पहले वो कम हो गई, सिक्योरिटी बढ़ गई है क्योंकि हम इसको कॉपी नहीं कर सकते, है ना. और ऑल्सो कॉस्ट रिडक्शन इफ प्रोड्यूस इन बल्क. अगर हम बल्क में इसका प्रोडक्शन करते हैं तो इसका कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है. तो ये तो हमारा एडवांटेज था एसकी का. बट डिसएडवांटेज इज कि इनॉर्मस इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट, न्यू टेस्टिंग मेथड्स विल ऐड टू द कॉस्ट एंड एफर्ट्स. ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज हो गए. ठीक है, नाउ अगेन वी कम टू द व्हाट इज पीएलडी. अगेन स्टार्ट definition and this is types. So programmable logic design are standard products which can be programmed to obtain the desired functionality required for a specific location, right? एक PLD हमारा एक ऐसा standard product होता है जो एक desired functionality को obtain करने के लिए हम इसको design करते हैं, कि specific application के लिए. So this can be programmed, can be done either by the user or by the manufacturer. If programmed by the manufacturer, this is called the MPLD, that is Mass Programmable Logic Device, right? And the PLDs are programmed by the end user are called Field Programmable Logic Design, right? So ये programming हम दो तरीके से करते हैं. यूजर को भी अगर जरूरत है तो वो प्रोग्राम कर सकता है, और अगर अपने अगर यूजर की जरूरत है तो भी कर सकता है. मैन्युफैक्चरर के टाइम पे भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं. अगर हमने मैन्युफैक्चरर के टाइम पे चेंज किया तो इसको हम बोलते हैं मास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, और अगर हम विच आर प्रोग्राम बाय द एंड यूजर तो हम इसको बोलते हैं फीड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस.
Right, so two types of logic devices, so MPLD and FTLD. Architecture बहुत ही regular होता है और बहुत ही fixed हो सकता है, जो भी जो कि हम end user के through भी हम इसको change नहीं कर सकते. So PLDs have wide range of applications and have low risk and cost in manufacturing in large volume. इसका बहुत वाइड रेंज है अपनी पीएलडी का, राइट. रिस्क बहुत कम होता है और कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज वॉल्यूम. ठीक है, अगर हम लार्ज वॉल्यूम में मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसका कॉस्ट भी कम होता है. सो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये पीएलडी जो होती है बहुत ही चीपर होती है. नाउ कम टू दी प्री पीएलडीज आर प्री मैन्युफैक्चर्ड, पहले से मैन्युफैक्चर्ड होता है, टेस्टेड होता है और इसको हम एडवांस में प्लेस कर सकते हैं. इसकी डिजाइन साइकिल टाइम बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि इसमें एंड और का एरे यूज करते हैं, एंड का एरे यूज करते हैं, फिर उसका एरे यूज करते हैं. इसके वजह से उसका डिजाइन साइकिल टाइम जो बहुत कम हो जाता है. इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामेबिलिटी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, सेकेंड वन इज द प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक एंड थर्ड वन इज द प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ, क्योंकि लॉजिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, लॉजिक सर्किट, तो यहाँ पे ये बना हुआ होता है एंड और के एरे से. तो अगर हम बात करें रोम की, तो रोम में अपना एंड जो और एरे होता है वो प्रोग्रामेबल होता है, एंड को फिक्स कर देते हैं. प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में एंड गेट जो होता है वो फिक्स्ड प्रोग्रामेबल होता है और फिक्स नहीं होता, और जबकि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में जो होता है दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते, है ना, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इसलिए हम जनरली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएएल क्या होता है और पीएएल क्या होता है.